हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल. वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन. माय नेम इज अंजलि. सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोविंशलाइजेशन ऑफ म्यूनसिपल सर्विसेज. इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सो प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ लाइन वाइज देखो, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके सब्जेक्ट से रिलेटेड. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज प्रोविंशलाइजेशन ऑफ म्यूनसिपल सर्विसेज, डिस्कस इट्स मैरिट एंड डीमेरिट. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. म्यूनसिपल पर्सनल फॉर्म द कोर असेट ऑफ म्यूनसिपैलिटी. म्यूनसिपल पर्सनल का मतलब होता है वो पर्सन्स या वो ऑफिसर्स जो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. यहाँ पे ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट की. तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं उनको म्यूनसिपल पर्सनल्स कहा जाएगा, और ये म्यूनसिपैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स वर्किंग, यानी कि जो भी वहाँ पे वर्क हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर्स. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं वो एक डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए ही अपना काम करें. म्यूनसिपैलिटी विल फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एबली एंड एग्जीक्यूट इफेक्टिवली. ऑफिसर्स अगर एफिशिएंट नहीं होंगे, एबल नहीं होंगे, अपने मेरिट बेसिस पे नहीं चुने होंगे, उनको जो है करप्शन के थ्रू चुना होगा, तो वहां पर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे. अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है वो काम करने की वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वहां पे ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी वहां पे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो एबल होने चाहिए, टैलेंटेड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, सो दैट टाइम के साथ वो लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करवाएं, उस एरिया को डेवलप करवाएं. म्युनिसिपैलिटीज रिक्वायर अ साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ऑर्डर टू डिलीवर एफिशिएंट सर्विसेज टू द पीपल. तो इसीलिए जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं वो एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके बनाई जानी चाहिए. प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो होने चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, ताकि लोगों को एफिशिएंट तरीके से सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा सके, प्रॉपरली जो है उन तक सर्विसेज पहुँच सके. एवरी म्युनिसिपैलिटी इन इंडिया हैज़ अ फुल फ्लेज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज मेंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय. इंडिया में हर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है लोकल गवर्नमेंट काम करती है, और लोकल गवर्नमेंट में मेन क्या होते हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़. अब म्युनिसिपैलिटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स जो है वर्क करते हैं, वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स यानी इम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क करते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्युनिसिपल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट, सेक्शनल ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स एंड अ नंबर ऑफ क्लरिकल स्टाफ एटसेट्रा. तो जितने भी ऑफिसर्स हैं ये सारे लोकल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं उस सिटी को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए. अर्लियर द प्रैक्टिस हैड बीन दैट ऑल दीज एम्प्लॉयज इंक्लूड द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर अपॉइंटेड बाय द म्युनिसिपैलिटी ऑन इट्स ओन. तो पहले के टाइम में किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनते थे इन एम्प्लॉयज रिलेटेड, कि म्युनिसिपैलिटी यानी जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने आप ही इन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते थे, उनकी सैलरी, उनकी फैसिलिटीज, जो भी उनकी रिक्रूटमेंट रहेगी, ट्रांसफर्स रहेगी, प्रमोशन रहेगी, वो सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट अपने आप ही डिसाइड करती थी. दस देयर वर एम्प्लॉयज ऑफ म्युनिसिपैलिटी कंट्रोल्ड बाय एंड अकाउंटेबल टू इट. तो इसीलिए जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो आंसरेबल होते हैं लोकल गवर्नमेंट को, वो उन्हीं के विशेज़ और नीड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं. देयर टर्म्स, कंडीशन, सैलरी, पर्क्स एंड अदर सिविक रूल्स वर सेपरेट देन द गवर्नमेंट रूल्स. तो उनके जो भी टाइम पीरियड रहेगा जब तक उन्होंने काम करना है, उनकी जो कंडीशन हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, सैलरीज हैं, जो भी उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के रूल से काफ़ी डिफरेंट रहती हैं, क्योंकि वो जो रूल्स रेगुलेशन है वो लोकल गवर्नमेंट बनाएगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट. However, with the passage of time, many changes have been takes place. But time के साथ इस चीज़ में काफ़ी सारे changes आए हैं कि state government की भी काफ़ी ज़्यादा involvement हो गई है local government में. Next आपकी की heading है personal administration in municipal bodies. At present, three types of personal system exist in the municipalities in India. The personal working in the urban government may belong to anyone. और ऑल द थ्री टाइप्स दीज आर. अब जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ लोकल गवर्नमेंट में काम करते हैं, म्युनिसिपल बॉडीज़ में काम करते हैं, इंडिया में इस तरीके से तीन कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता है, उनकी सैलरीज, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिसाइड कर रहे हैं, जिन पर उनका टोटली कंट्रोल है, इस चीज़ को लेके हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को यानी उनकी वर्किंग को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट है आपका सेपरेट पर्सनल सिस्टम.
अंडर दिस सिस्टम ईच लोकल बॉडी अपॉइंट एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल इट्स ओन पर्सनल. तो इसमें लोकल गवर्नमेंट अपने आप ही उन लोगों को अपॉइंट करेंगे, उनकी सैलरीज, उनकी फैसिलिटीज डिसाइड करेंगे और वो लोग जो है लोकल गवर्नमेंट को ही आंसरेबल होंगे. दे आर नॉट ट्रांसफरेबल टू अदर लोकल बॉडीज. तो जिस लोकल बॉडी में अगर म्यूनसिपैलिटीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उन्हें अपॉइंट किया है तो वो सिर्फ उसी एरिया उसी सिटी के लिए काम करेंगे, कहीं और रिक्रूट नहीं किए जाएंगे. फैक्ट दिस सिस्टम अलाउज ईच लोकल बॉडी टू मैनेज इट्स ओन स्टाफ इन इट्स ओन वे. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोकल बॉडी उन्हें अपॉइंट करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, उन्हें कंट्रोल करेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे, तो प्रॉपरली अपने स्टाफ मेंबर्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं. उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर पूरा कंट्रोल रहने वाला है उस लोकल इंस्टीट्यूशन का. टू लैक ऑफ प्रमोशनल एवेन्यूज द एम्प्लॉयज़ बिकम डिवॉइड ऑफ मोटिवेशन टू वर्क हार्ड. अब इस सिस्टम के अंदर ना प्रमोशन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं क्योंकि आपको जिस लोकल बॉडी ने अपॉइंट किया है आप उसी सिटी के लिए वर्क करोगे और ज़्यादा आपके प्रमोशन के चांसेस, ट्रांसफर के चांसेस काफ़ी कम रहते. सो इसीलिए जो एम्प्लॉय होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा अच्छा वर्क करने के लिए या फिर कुछ नया इनिशिएटिव स्टेप लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके लिए कोई उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ या फिर प्रमोशन नहीं मिलने वाली है. लेकिन आपका पॉइंट है यूनाइटेड एंड यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम. द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल्स द म्युनिसिपल पर्सनल. अब यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर जो म्युनिसिपैलिटीज़ के मेंबर होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको रिक्रूट करेंगे. उनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है उन पर सिग्नेचर वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो साइन करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे और जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे वो आंसरेबल होंगे स्टेट गवर्नमेंट को. स्टेट वाइज सर्विसेज आर क्रिएटेड फॉर ऑल द अर्बन बॉडीज इन द स्टेट. तो स्टेट वाइज जो कैडर्स हैं यानी कि जो सर्विसेज हैं वो क्रिएट की जाएंगी. तो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो किसी भी सिटी में हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है. दस अ सिंगल करियर सर्विस फॉर द एंटायर स्टेट इज़ फॉर्म. तो इस तरीके से सर्विसेज जो क्रिएट की जाती हैं फॉर द एंटायर स्टेट उसको हम यूनाइटेड या यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम कह सकते हैं. फ्रॉम विच एम्प्लॉयज़ आर पोस्टेड इन वेरियस लोकल बॉडीज़. तो किसी भी लोकल बॉडी में, किसी भी शहर में, स्टेट के अंदर आपकी ट्रांसफ़र या प्रमोशन हो सकती है. दे आर ट्रांसफरेबल ओनली बिटवीन द लोकल बॉडीज़ इन अ स्टेट. तो अगर सपोज करो, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि जैसे पंजाब स्टेट है, तो जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट होगी वो किसी भी पंजाब के शहर में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं लोकल बॉडीज़ के, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं. बट पंजाब से हरियाणा उनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, उसी स्टेट के सिटीज़ में कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकती है. तो आपका पॉइंट है इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम, प्रोविंशलाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल सर्विसेज. सो जो आपका इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम है इसको हम प्रोविंशलाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल सर्विसेज भी कह सकते हैं. इट इज़ अ लिटल मोर कॉम्प्रीहेंसिव एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम. सो ये थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंसिव और थोड़ा सा इम्प्रूव्ड फॉर्म है, जो अभी हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया था ना, जिसमें हम यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम कह रहे थे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को. तो ये उसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है. अंडर दिस सिस्टम द पर्सनल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दोज ऑफ द लोकल बॉडीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेम सर्विस. चाहे लोकल बॉडी के एम्प्लॉयज़ हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, उनकी सेम सर्विसेज रहने वाली है विद इन अ स्टेट. उनको कहीं पे भी ट्रांसफर प्रमोट किया जा सकता है. इट इज़ डिफाइंड एज द वन इन विच द पर्सनल्स ऑफ द नेशनल स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ द लोकल बॉडीज फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम सर्विस. यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपके जो ऑफिसर्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, चाहे लोकल बॉडीज ने उन्हें अपॉइंट किया है, तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके जो फैसिलिटीज़ हैं एग्जैक्ट सेम रहने वाले हैं. वो तीनों ही कंडीशंस में किसकी गाइडेंस के अंडर वर्क करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के. चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया उस जगह पर, बट वो स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल होंगे कोई भी नई पॉलिसी, प्रोग्राम या कानून बनाने के लिए. सो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कम्प्लीटली उन पर जो है डोमिनेट करने वाली है. और साथ के साथ इन ऑफिसर्स की जो ट्रांसफ़र और प्रमोशन है वो उस स्टेट के किसी भी सिटी में हो सकती है. ये स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है उनकी ट्रांसफ़र और प्रमोशन से रिलेटेड. नाउ लेट्स डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविंशलाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल सर्विसेज. सबसे पहला पॉइंट है अंडर द सिस्टम देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लोकल सिविल सर्विस एंड द स्टेट सिविल सर्विस. यानी इस सिस्टम के अंदर जो लोकल सिविल सर्वेंट होंगे और जो स्टेट के सिविल सर्वेंट होंगे उनमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनकी जो वर्किंग है, वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है. उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा. ऑन द होल म्युनिसिपल पर्सनल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो चाहे यहाँ पर लोकल सिविल सर्वेंट हो या स्टेट सिविल सर्वेंट हो, दोनों ही सिविल सर्वेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट की गाइडेंस के अंडर वर्क करना पड़ेगा.
सेकेंड पॉइंट है, म्यूनसिपल पर्सनल्स आर अपॉइंटेड कंट्रोल्ड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सो जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे उनकी रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट कंट्रोल्ड और जो भी उनके एग्जाम्स रहेंगे जो भी उनकी प्रमोशन होगी ट्रांसफर होगी वो सारी की सारी किसके अंडर रहने वाली है सुपरविजन के स्टेट गवर्नमेंट के. थर्ड आपका पॉइंट है म्यूनसिपल पर्सनल बिकम एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी. यानी कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स होंगे वो ज़्यादा लॉयल किसके प्रति होंगे स्टेट गवर्नमेंट के ना कि लोकल गवर्नमेंट के. वो ज़्यादा आंसरेबल होंगे उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी उनके रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे तो उन पर ज़्यादा जो कंट्रोल होने वाला है जो उन पर डोमिनेट करेंगे ना वो स्टेट गवर्नमेंट होगी और वो भी जो है आंसरेबल उन्हीं को ही होते हैं ज़्यादा. नाउ फोर्थ पॉइंट दे आर ट्रांसफरेबल नॉट ओनली बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट बट ऑल्सो बिटवीन द लोकल बॉडीज एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे जो ऑफिसर्स होंगे उनकी ट्रांसफ़र स्टेट के अंदर कहीं पे भी हो सकती है किसी भी शहर में हो सकती है. फिफ्थ पॉइंट है द सैलरीज एंड द अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिकम एट पार विद दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे उनकी जो सैलरीज होंगी फैसिलिटीज़ होंगी जो सर्विसेज होंगी एग्जैक्ट सेम रहेंगी जैसे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की हैं. सिक्स्थ आपका पॉइंट है एट प्रेजेंट इट इज़ प्रेवलेंट इन उड़ीसा बिहार कर्नाटका पंजाब हरियाणा एंड ऑलमोस्ट इन ऑल स्टेट्स दो इन अ लिमिटेड फॉर्म. अब ये जो सिस्टम है इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम ये हर स्टेट में फॉलो किया जा रहा है आज के टाइम में इंडिया के ऑलमोस्ट बट कुछ लिमिटेड फॉर्म में किया जा रहा है. हर स्टेट के इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट हो सकते हैं बट मेनली इसका मतलब यही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक राइट होता है लोकल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही डिसाइड करते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को उनकी प्रमोशंस को उनके ट्रांसफ़र को और वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो आंसरेबल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को ना कि लोकल गवर्नमेंट को. नेक्स्ट आपकी हेडिंग है मेरिट्स यानी क्या फ़ायदे हैं प्रोविंशलाइजेशन ऑफ म्यूनसिपल सर्विसेज के. सबसे पहला पॉइंट आपका दिस सिस्टम इंश्योर्स मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गुड पर्सनल सिस्टम इट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस इन हेल्दी स्पोर्ट सिस्टम टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें अपने जो ऑफिसर्स होंगे ना वो अपना टैलेंट शो कर पाएंगे जो भी स्किल्ड पर्सन होंगे वो अपना यहाँ पर टैलेंट शो कर सकते हैं कोई नया इनिशिएटिव स्टेप ले सकते हैं और उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट भी उन्हें किसी हायर स्टेटस पर जो है प्रमोट कर सकते हैं. इट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ये पूरा डिटेल्ड सिस्टम है इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही शहर में रखा जाएगा आपको सिर्फ वहीं पे ही बेसिक काम करना है. तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको और अदर फैसिलिटीज़ भी मिल सकती हैं आपकी जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव की जा सकती हैं. तो ये बहुत ही हेल्दी सिस्टम है एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. अगर ऐसा सिस्टम होगा तो सारे एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली काम करेंगे सो दैट उनको प्रमोशन मिल सके. लेकिन आपका पॉइंट है इट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ स्टेट वाइड करियर सर्विस द ऑफिशियल्स एंड द एम्प्लॉयज़ बिलोंग टू द सेम करियर एंड शेयर कॉमन एस्पिरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो यहाँ पर ये स्टेट वाइज कैडर्स जो हैं सीट्स जो हैं क्रिएट की जाती हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके ही स्टेट के अंदर सिटीज़ में रिक्रूट किया जाता है. सो यानी कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अपनी स्टेट को आगे लेके जाना अपनी जो लैंग्वेज है अपना जो कल्चर है स्टेट का उसको प्रमोट करना. सो इसके तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो अगर अच्छा काम करेंगे वो दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा करने के लिए. थर्ड आपका पॉइंट है देर आर लेस चांसेस ऑफ नेपोटिज्म फेवरेटिज्म इन द अपॉइंटमेंट एंड अदर पर्सनल मैटर्स. अब ज़्यादातर लोकल गवर्नमेंट में ये देखने को मिलता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है अपने किसी फेवरेट या फिर फैमिली मेम्बर्स को रिक्रूट करवाते हैं बट अगर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं तो यहाँ पर नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं और फेयर बेसिस पे जो है रिक्रूटमेंट होती है ऑफिसर्स की. फोर्थ पॉइंट है दिस सिस्टम इंश्योर्स वाइडर करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेटर सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन. अब जैसे कि हमने बोला यहाँ पर प्रमोशन मिल सकती है तो हर कोई अच्छे से काम करेगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी. यानी आपको पता है कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोट किया जाएगा आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है आपकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है. फिफ्थ पॉइंट है द सिस्टम इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन एज फार एज पॉसिबल ऑल एम्प्लॉयज आर गवर्न्ड अंडर द सेम सेट ऑफ प्रिस्क्राइब रूल्स विदाउट एनी पार्शियलिटी. पूरी स्टेट के अंदर एक जैसे रूल्स रेगुलेशन जो है फॉलो किए जाते हैं एक तरीके से ट्रांसफर होगी प्रमोशन होगी किसी के साथ भी कोई पार्शियलिटी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द वर्क हर किसी का जो है वहाँ पर प्रमोशन होगा. अगर कोई अच्छा काम करता है रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसे जो है बेटर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने के लिए. नेक्स्ट आपका पॉइंट है इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनल एंड द वर्क विद जील कॉन्फिडेंस लीडिंग टू इफेक्टिव वर्क. अब यहाँ पर जो है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने की यानी कि हर कोई जो है बेहतर काम करने की कोशिश
करेगा ताकि उसे जो है रिकॉग्नाइज किया जाए, उसकी प्रमोशन हो। तो हर कोई अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा कि अगर वो काम कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। यहाँ पर पर्सन जो है एक एंथूजियाज़म से, एक एनर्जी से काम करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि उन्हें जो है इफेक्टिवली वर्क करना है अपने डिपार्टमेंट, अपनी सिटी के लिए। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है, द ऑफिशियल्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एज द स्टेट गवर्नमेंट मे डिसाइड रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल सर्विसेज। जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे उनकी जॉब सिक्योर रहेगी क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ कभी पार्शियलिटी नहीं होगी। उनकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो फेयर बेसिस पे होगी, कभी भी उनके जो है उन्हें ऑफिस से निकाला नहीं जा सकता। उन्हें जो है प्रॉपरली जो सैलरीज है वो टाइम पे दी जाएंगी क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और स्टेट गवर्नमेंट पूरी स्टेट के अंदर एक जैसे जो है तरीके से रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर करवाएंगे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाएंगे हर डिपार्टमेंट में, और कोई भी फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के चांसेस जो है वहां पर नहीं होंगे। की हेडिंग है डीमेरिट्स, यानी कि क्या नुकसान है प्रोविंशलाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल सर्विसेज वाले सिस्टम के। सबसे पहला पॉइंट है, द सिस्टम इज कंसिडर्ड हाईली अनडेमोक्रेटिक एज इट कर्टल्स द ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट में, बट वो आंसरेबल लोकल गवर्नमेंट को नहीं होंगे, वो आंसरेबल होंगे स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कि किसके कहने पर वो काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के। वो लॉयल भी किसको होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट का जो यहाँ पे पावर है वो बहुत ही कम रह जाएगा, वो कभी भी उनकी गाइडेंस के अंडर काम नहीं करेंगे, कभी भी कंट्रोल नहीं रहेगा लोकल गवर्नमेंट का इन एम्प्लॉयज़ पर। तो ये तो अनडेमोक्रेटिक हुआ ना कि जिस लेवल पे वो वर्क कर रहे हैं उसी गवर्नमेंट का उस पर राइट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही है। तो लोकल बॉडीज देमसेल्व आर इलेक्टेड बॉडीज एंड बाय प्रोविंशलाइजेशन देयर ऑटोनॉमी कैन एनहांस बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब जितने भी लोकल बॉडीज के लोग होंगे जो वार्ड से इलेक्ट होकर चुने जाएंगे, अब उनको लोगों ने वोट डालकर चुना है, वो एक लोकल गवर्नमेंट है, उन पर लोकल ऑफिसर्स जो है उनका राइट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरा जो है उन पर राइट होता है उनका, वो उनको डोमिनेट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो ऑटोनॉमी है यानी कि जो पावर है लोकल गवर्नमेंट की, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आपका सेकेंड पॉइंट है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट इन द म्युनिसिपल सर्विस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो भी पोस्ट क्रिएट की जाएगी, जो उनकी रिक्रूटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट होगी, वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लोकल बॉडीज हैव नो रोल एंड दे आर लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द चॉइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी लोकल बॉडीज का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाला है, उन्हें जो है स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट जिन मेंबर्स को, जिन पर्सन को वहाँ पे रिक्रूट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, उन्हीं को जो है वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। इसमें लोकल बॉडीज की कोई भी विश या नीड जो है उनसे नहीं पूछी जाएगी, ना ही उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी इस चीज़ में। हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी दया पर जो है लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे वो वर्क करेंगे, क्योंकि उनकी खुद की कोई पावर नहीं होगी इस चीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, दिस सिस्टम क्रिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब प्रोविंशलाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल सर्विसेज से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फंड, ये भी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास हमें हमेशा से पता है फंड्स की कमी रहती है, और जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको सैलरीज कहाँ से मिलेंगी, जो भी लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगाकर वहाँ से फंड इकट्ठा करेंगे। अब फंड उनके पास है नहीं, बट जो उनकी सैलरीज जाएंगी लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की, वो बिल्कुल सेम होंगी जितनी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की होती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, और जो सैलरीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उनको बिल्कुल वैसी देनी पड़ेगी जैसी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें बोलेंगी। एंड दीज बॉडीज ऑलरेडी सफर फ्रॉम सिवियर रिसोर्स क्रंच एंड सैलरीज टू द एम्प्लॉय हु आर पेड एट पार विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स फर्दर ईट देयर फंड। हम ये कह सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनके फंड्स जो हैं सैलरीज दे देकर ही जो ऑफिसर्स हैं उनको खत्म हो जाएगी, और जो लोकल गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स लाने हैं, पॉलिसीज बनानी है वेलफेयर के लिए, वो नहीं बना पाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द लॉयल्टी ऑफ ऑफिसर ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट कैडर ऑलवेज रिमेन डाउटफुल एंड डिवाइडेड। अब जो लॉयल्टी यानी जो वफादार हो गए वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को रहेंगे, कभी भी लोकल गवर्नमेंट को वो आंसरेबल नहीं होंगे, उनके लिए अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो हमेशा जो उनकी लॉयल्टी है ना वो हमेशा डाउट में रहेगी, कि अगर उनको बोला जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर विलेज के लिए जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो उसके लिए कभी सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक बड़े लेवल पर सोचेंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट की नज़रों में अच्छा कैसे बने, सो दैट स्टेट गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करके किसी और बड़ी पोस्ट पर रिक्रूट करे। ऑलवेज प्रेफर टू सर्व इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेदर देन इन लोकल बॉडीज। तो हमेशा ऑफिसर्स यही चाहेंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में काम करें, ना कि लोकल बॉडीज के। आपका फिफ्थ पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट जनरली सेंड इट्स अनवांटेड ऑफिशियल्स टू दीज बॉडीज विच इफेक्ट देयर एफिशिएंसी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के अगर किसी ऑफिसर्स के साथ क्लैशेज होते हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते, वो लॉयल नहीं होते स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे अनवांटेड ऑफिसर्स को जो है लोकल बॉडीज में अपॉइंट कर देते हैं। ये एक
नेगेटिव ट्रेंड है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है कोशिश करते हैं कि जिनके साथ उनकी नहीं बन रही है उनको वो लोकल बॉडीज़ में भेज देते हैं ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों को रख सके जो उनके लिए लॉयल है, उनके विशेस के अकॉर्डिंग, उनके जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद के पास रखते हैं और जो नॉन सीरियंस और नॉन कमिटेड वंस होते हैं, जो लॉयल नहीं होते हैं, उनको लोकल बॉडीज़ में भेज देते हैं, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है, जिस तरीके से लोकल बॉडीज़ को काम करना चाहिए वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड, इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो, इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे।